दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। एक्चुअली आपको पता ही है कि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर लॉकडाउन है और कहीं ना कहीं ये बड़ी महामारी बढ़ती जा रही है। और लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक कार्य हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये देखा है कि आज के दिन हम लोग जो कानून और कह सकते हैं जो व्यवस्था है, जो हमारे जो अजमेर के अंदर जो धाराएँ लगी हुई है, उसके अंतर्गत हमने ADM सिटी से परमिशन लेके और हमारे परिवार और जो हमारी वाइफ हैं उनके परिवार ने मिलकर नॉर्मल तरीके से, बड़े ही सरल तरीके से इस विवाह को संपन्न किया है पंडित जी के द्वारा। दो दो लोग आए थे पूरी, आपके द्वारा भी दो लोग? हाँ, इनके घर से भी दो लोग आए थे और हमारे घर से भी दो लोग आए थे और हम लोग ही थे। और बाकी हम लोगों ने ना ही किसी प्रकार के भोजन की व्यवस्था करी, ना ही किसी प्रकार के DJ साउंड की व्यवस्था की, क्योंकि पहली बात की हम लोग शिक्षित हैं और समाज की तरफ जब देखते हैं तो समाज में सामाजिक कार्य भी होते रहे और कहीं ना कहीं किसी के कारण कोई आम जनता और जो लोग हैं उनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। आपका नाम? मैं संजय जसोरिया। कहाँ के रहने वाले भैया? मैं यहीं कुंदन नगर का रहने वाला हूँ। ये हैं लक्ष्मी जी। कहाँ के रहने वाले? ये लक्ष्मी भाटी जी हैं जो कि रहने वाली हैं ब्यावर की। मेरा नाम सोनू भाटी और शादी के बाद लक्ष्मी भाटी है। और आज हम सब ने परिवार की सहमति से, क्योंकि हमारी शादी की डेट पहले से फिक्स थी, तो हमने सोचा परिवार ने, पापा मम्मी की सबकी खुशी इसी में ही है, तो हम लोगों ने बहुत ही साधारण तरीके से शादी की है। बस ये कहना चाहूँगी। जी, आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे बारात आनी चाहिए घर पे? जी नहीं जी, सच्ची खुशी जो होती है वो परिवारजनों के साथ ही होती है और वो हम सब खुश हैं, बड़ों का आशीर्वाद मिल गया, बस बहुत है। आज जिंदगी में पहली बार, जीवन में पहली बार मैंने ये विवाह कराया लॉकडाउन के अंदर, जिसके अंदर दो तो कन्या के तरफ से, दो ही वर राजा की तरफ से, चार जने को दूरी रख के हमने इसको विवाह को संपन्न कराया और मंगलमय आनंदमय। और आज जो पूनम है इसके अंदर अभूत सावा कहा जाता है, ऐसे इस अभूत सावा में जो विवाह किया जाता है वो जीवन के अंदर बड़ा आनंद होता है, क्योंकि भगवान ने इसको अभूज बना दिया। जो अभूज होने के कारण से कोई चीज़ का लेन देन नहीं, भगवान के जल पत्र पुष्प जो भी हाथ में आए वो जिससे ही करा देवे तो भी वह फलदायक होता है। विकास गुरु। आपका